आखिर क्या है इस रूम में कि आंटी इसको लॉक करके हमेशा चाबी अपने पास रखती है? कुछ तो है जो राज है, या कुछ ऐसा जो मैं देख नहीं पा रही। मिसेज अबान, किन ख्यालों में गुम हैं आप? अब कुछ भी नहीं, वो बस जरा सी थकान हो गई है। मगर ये जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, ये थकान वाले तो नहीं लग रहे। क्या बात है बताओ। अबान, अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? छो और निम्मो, अबान पूरी जिंदगी तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मनाएगा। पूछो। अबान, वो ये स्टोर रूम हमेशा बंद क्यों रहता है? और इसकी चाबी रोशनी आंटी के पास ही क्यों रहती है? आई मीन, आखिर क्या है स्टोर रूम में? स्टोर रूम में स्टोर रूम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और घर के पुराने सामान के अलावा तो कुछ भी नहीं, और वो तो कई सालों से भी बंद है। लेकिन तुम्हें पता है, जब बाबा जिंदा थे ना, तो वो स्टोर रूम बाबा की लाइब्रेरी हुआ करती थी, और बाबा कई कई घंटों वहां पे बैठते थे। मेरे बाबा बहुत अच्छे आदमी थे। I'm sorry, अबान, कर... मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो? नहीं नहीं निम्मो, बाबा के जिक्र से मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं होता। तुम्हें पता है, मेरी जिंदगी में जब तक बाबा जिंदा थे, वो सबसे स्पेशल लम्हे थे। मेरे बाबा बहुत अच्छे आदमी थे। आई एम श्योर, तभी तो उनका बेटा भी इतना अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। मैं मोबाइल यूज कर लूं अब? इजाजत है। Thank you. की डिमांड में काफी अरसे से पूरी करती आ रही हूँ तुम लोगों के मुताबिक।
लेकिन अब वक्त आ गया आगे बढ़ने का। अब तुम लोगों को मैं बहुत जल्द बुलाऊंगी ताकि रीना के सामने निम्रा की पूरी सच्चाई बयान करूं। हाँ, तो इसके लिए आप हमें और पैसे देंगी ना? जाहिर है दूंगी। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं आप लोगों को और भी खुश करूं, ये रोशनी का वादा है। वैसे रोशनी मैडम, आप कहें ना तो हम निम्मो की मुमानी को भी ले आएंगे। बल्कि निम्मो की मुमानी तो क्या, निम्मो की मनहूसियत की गवाही तो पूरा मोहल्ला देने के लिए तैयार है। आप बस ऑर्डर करें। कुछ ही कह रही है, निम्मो की मुमानी क्या मतलब है? वो कहाँ रहती है? मुझे अभी उसके पास जाना है, अभी इसी वक्त। ओहो, हौसला हौसला, अभी इतनी जल्दी जाना मुनासिब नहीं है। एक दो दिन बाद जाएंगे, अभी सही रहेगा, आराम से जाएंगे। क्यों, क्या मतलब है, क्या प्रॉब्लम है? मुझे निम्रा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरी मालूमात चाहिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, इस बार चक्का लग जाएगा। हाँ मैडम, आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं ना। अच्छा ठीक है, तुम लोग बहुत जल्द मुझे निम्रा की मुमानी तक पहुँचाना। हाँ आप फिक्र ना करें मैडम, सब हो जाएगा, बस आप पैसों का इंतजाम रखिएगा। वो हो जाएगा। अब कल आप लोग निम्रा की मुमानी को मेरे घर लाइए, ठीक है ना? और जो भी बात होगी वो मेरे घर पे होगी, रीना भाभी के साथ। समझा रही है? भूलना मत, उससे मिलना बहुत जरूरी है। अरे मैडम आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। पारे हो, अपने सारे काम कर चुकी हो तुम क्या कि अब इस स्टोर रूम की सफाई करना चाहती हो? बोलो क्या चाहती हो तुम? आंटी ये स्टोर रूम इतने सालों से बंद पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसको खोल के थोड़ी सी हवा लगवा दूं। अबान ने बताया कि ये पहले लाइब्रेरी होती थी, पापा की पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं, मुझे लगा वो खराब ना हो जाए, इसीलिए मैंने आलम से चाबी ले ली। कुछ गलत किया? पापा की चीजें? बड़ा ख्याल है तुम्हें पापा की चीजों का। एक बात कान खोल कर सुन लो निंदा, ये कमरा भाभी को तकलीफ देता है, इसी वजह से कई सालों से ना कभी कोई इसको खोलता है ना जिक्र करता है, और सिर्फ मैं इसकी सफाई करती हूँ, सिर्फ मैं। तुम्हारा मसला क्या है आखिर, क्यों हर चीज में घुसती हो? अबान और शायान तक ही रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर तुमने ये जासूसी वगैरह करने की कोशिश की ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। कैसा प्रॉब्लम आंटी? मॉम घर पर नहीं है इसीलिए मैं आई, मुझे उनकी फीलिंग्स का बहुत ख्याल है। और अगर ऐसी बात है तो आप खुद सफाई करा लीजिए ना, मैं करती हूँ। उनकी फीलिंग्स यानी तुम मुझसे चाबियां ले जाना चाहती? मेरी फीलिंग्स का एहसास किए बिना? हाँ तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो कि तुम मुझसे बेहतर हो? आंटी आप खुद करा लेना सारी सफाई, मैं कर देती हूँ। चलिए, और मैं आपसे मुकाबला कैसे कर सकती हूँ, आप तो मेरी बड़ी हैं। सो स्वीट, खुद को बहुत चालाक समझती हो ना तुम। अब जाओ यहाँ से, और कभी भी आइंदा स्टोर रूम के करीब ना आना। मेरी बात सुन रही हो ना, समझ रही हो ना? जाओ।